चीनी जिस गन्ने से गुड़ इतना काला होता है उसकी चीनी इतनी सफेद कैसे हो गई? केमिकल्स उसमें डाले जाते हैं और मैं एक चीनी मिल के अधिकारी जो मैनेजर है, मैं उनकी बात आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि मुझे लगभग 12 साल हो गए चीनी मिल में काम करते हुए और जब से मैंने काम करना शुरू कर दिया चीनी मिल में, तभी से मैंने घर में चीनी लाना ही बंद कर दिया। मैं तब से अपने बच्चों को चीनी खिलाता ही नहीं हूं, जबकि नौकरी से सैलरी वहीं से मिलती है, मगर चीनी नहीं। मैंने कहा कि आखिर कौन सी घटना घटी जिसके कारण से आपने ऐसा किया? तो उन्होंने बताया एक छोटी सी घटना कि चीनी मिल में जो ये पानी निकलता है ना, चीनी के बनने के बाद उस प्रोसेसिंग में जो पानी निकलता है, उस पानी में वो सारा केमिकल भी मिक्स रहता है और उस पानी को चीनी मिल वाले लोग अक्सर एक टंकी में जमा करके रखते हैं। ये सभी चीनी मिल वालों के पास में होता है, आप भी कभी जाएंगे तो आपको भी पता चलेगा। वो टंकी में वो पानी रखा जाता है, लेकिन रोज रोज प्रोसेसिंग हो रहा है, रोज चीनी बन रही है, रोज बहुत सारा पानी आ रहा है, तो आखिर कब तक? एक टंकी की क्षमता है ना, कितने दिनों तक वो टंकी खाली रहेगी? भर जाती है, भरेगी तो फिर क्या करेंगे? खाली करना है। तो क्या किया था चीनी मिल के लोगों ने? सोचा कि छोड़ो ना, अब कहां जाएंगे उसको फेंकने के लिए कहीं दूर, क्योंकि अब उतनी बड़ी टंकी जिसमें हजारों गैलन पानी है उसके लिए ट्रांसपोर्ट में कितना खर्च आएगा, तो बेहतर होगा रात के अंधेरे में कहीं खेत में डाल देते हैं, क्योंकि जनरली फैक्ट्रियां तो होती हैं ऐसे ही बिराने में, तो कहीं डाल देते किसी खेत में, क्या पता चलेगा पानी है कि चीनी मिल का पानी है क्या है। तो ये सोचकर मैनेजमेंट वाले लोगों ने रात में ही उस पानी को खेतों में छुड़वा दिया और नतीजा ये हुआ कि उस खेत की सारी फसल जल गई, मिट्टी बंजर हो गई। और जब किसान पता करने लगा कि आखिर क्या हुआ मेरे खेत में, जब चेकअप कराया वो मिट्टी का, तो पता चला कि इसमें तो चीनी मिल का जो वेस्ट मटेरियल है वो डाला गया है। तब उसको खबर मिली कि हाँ, किसी स्टाफ ने बताया कि हाँ, हमारे चीनी मिल से ही पानी डाला गया था आपके खेत में और पूरी मिट्टी बंजर हो गई। उसने केस कर दिया और चीनी मिल वाले को मुआवजा देना पड़ा लाखों रुपए। तभी से वो स्टाफ कहते हैं कि जो मिट्टी को बंजर कर दे वो इंसान के शरीर में जाए तो क्या करेगी। उसी के बाद से मैंने अपने घर में चीनी लाना बंद कर दिया। और सच्चाई है, लगभग अगर आप देखेंगे तो अंग्रेजों के आने के समय अंग्रेज पहला चीनी मिल इन्होंने भारत में ही लगाया था। पहला चीनी मिल भारत में ही अंग्रेजों का लगा और अंग्रेजों ने चीनी की शुरुआत की। भारत के लोग गुड़ खाते थे, चीनी नहीं खाते थे, उन्होंने बहिष्कार किया बिल्कुल नहीं, लेकिन चीनी और चाय पत्ती दोनों के लिए लोगों को तैयार किया गया था। चाय पिला पिला कर फ्री में चीनी के लिए तैयार किया गया और चाय के लिए भी तैयार किया गया। अंग्रेज ने जब से ये शुरू किया है और पिछले 50 वर्षों से हमारे समाज में चीनी खाने का प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ा है और उसी समय से भारत के लोगों के बच्चों के शरीर में कैल्शियम की कमी होनी शुरू हो गई है। अगर कोई मां, अगर कोई बहन जो गर्भवती हो, गर्भकाल के दौरान अगर चीनी का सेवन अगर कोई बहन कर रही हो, तो चांसेस ज्यादा होते हैं गर्भपात होने के। कोई मां अगर बच्चे के जन्म से पहले, एक साल पहले से ही चीनी छोड़ दे और सामान्य भोजन करे, अपना ही दूध बच्चे को पिलाए और कम से कम 5 साल तक बच्चे को चीनी ना खिलाए, खुद को चीनी ना खिलाए, उस बच्चे को कभी भी ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या नहीं हो सकती, कैल्शियम की कमी उसके शरीर में कभी नहीं होगी। चीनी जब जाती है आपके शरीर में तो बाहर जब निकलती है तो अकेले नहीं निकलती, कैल्शियम लेकर निकलती है। चीनी कैल्शियम लेकर निकलती है, हड्डियों को गलाकर निकलती है। और जिसके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है उसके शरीर में मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन सब की कमी हो जाती है। कैल्शियम वो तत्व है कि जिसके शरीर में कम हो जाए सारे तत्व कम हो जाएंगे और कैल्शियम की कीमत पे चीनी हम खाते हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल ऐसे कुछ देशों के अलावा दुनिया के बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं जहां चीनी का इस्तेमाल ही नहीं होता, आज भी चीनी खाते नहीं, बहुत सारे देश नहीं खाते बिल्कुल। आप गुड़ खाया करिए, वो ज्यादा बेहतर है, चीनी को छोड़िए।